देश के हर छोटे बड़े दुकानदार स्टोर मालिक को बिग ब्लिस देता है, खुशियों के वो पल जिनका हक है आपको। बिग ब्लिस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। पिछले वर्ष किसानों को सरसों के रिकॉर्ड दाम मिले थे। इसी को देखते हुए किसानों ने अन्य फसलों की जगह सरसों को ज्यादा अहमियत दी और इसकी ज्यादा बुवाई की। सरसों इस बार किसानों के लिए फायदे का सौदा साबित हो रही है। यही वजह है कि पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष सरसों की आवक में 500% तक की वृद्धि हुई है। पिछले वर्ष जहाँ अप्रैल के शुरुआती 15 दिनों में 10,000 क्विंटल से कम सरसों मंडी में आई थी, इस वर्ष इतने ही दिनों में 50,000 क्विंटल से ज्यादा सरसों मंडी में आ चुकी है। मंडी में सरसों के दाम भी अच्छे मिल रहे हैं। बता दें कि इस बार सरसों के रकबे में काफी बढ़त हुई थी। धनिया और चने की जगह किसानों ने सरसों को प्राथमिकता दी थी। 2021-22 में भोपाल के गुना जिले में सरसों का रकबा 73,000 हेक्टेयर पहुँच गया था। यह पिछले वर्ष के मुकाबले 3 गुना था। वही पोस्ट मानसून बारिश होने से भी किसानों को एक पानी की बचत हुई और उन्होंने सरसों की बुआई कर डाली। देश में बढ़ रहे खाद्य तेल के दाम और फैक्ट्रियों में सरसों की डिमांड बढ़ने से भी किसानों का झुकाव सरसों की फसल की ओर हुआ है। सरसों में तेजी के कुछ प्रमुख कारण हैं, जैसे पोस्ट मानसून बारिश। इस बार मानसून गुजर जाने के बाद अचानक 3 इंच बारिश हो गई। इससे किसानों को बुआई के लिए खेत तैयार करने में मोटर से पानी नहीं देना पड़ा, उन्होंने सीधे बुआई कर दी। अन्य फसलों के मुकाबले सरसों की बुआई करने में लागत भी कम आती है। अन्य फसलों में जहां खाद, कीटनाशक आदि डालना पड़ता है, सरसों में इतनी मात्रा में नहीं डालना पड़ता और सरसों में बीमारी भी कम लगती है। वहीं पिछले वर्ष मंडी में ही MSP से काफी ज्यादा भाव पर सरसों बिकी थी। समर्थन मूल्य जहाँ 4500 के आसपास था, मंडी में उपज 5500 से ऊपर बिक रही थी। इससे किसानों को सीधा फायदा मिला था। इस बार भी मंडी में MSP से काफी ज्यादा कीमत पर सरसों बिक रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अहमदाबाद से अगरतला तक, बिग ब्लिस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।